नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सी सी पी एस सी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जी हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि व्यापम में फिर से संयुक्त भर्तियां होंगी और देखिए हुआ भी वही व्यापम ने फिर से संयुक्त भर्तियां निकाल दी है जी हाँ हम इस पर पूरी बात करेंगे पूरी चर्चा करेंगे तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें बिना किसी देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देखिए तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कल विधानसभा का जो है विधानसभा का आप लोगों ने एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद उसमें जो है दावा पत्ती का जो है वो बताया गया है जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ठीक है तो आप जिन्होंने दावा जिनको दावा पत्ती लगाना है वो दावा पत्ती लगा लीजिए साथ में इसका जितना भी क्वेश्चन है लगभग 800 क्वेश्चन है तो आप सभी छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर से संबंधित है तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि आप सभी को ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप सभी उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सभी को रट लीजिए तो देखिए अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापम में संयुक्त भर्ती जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आने वाली है और उसके लिए जो है व्यापम एम्बुलेंस ये विभाग ने क्रम बार जो है इसका जो अब नोटिफिकेशन जो है वो आने चालू हो गया है जैसा कि आज जो मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूँ वो है कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन सेक्टर ट्वेंटी फोर जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा देखिए यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को बता दिया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य शासन पत्र क्रमांक तीन ग्यारह दो हज़ार बीस तथा पत्र क्रमांक दो हज़ार इक्कीस के द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत ग्रेड तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षण के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु तो। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित में लागू कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा भर्ती नियम उन्नीस में उल्लेखित शर्तें एवं प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र 29 बारह 2021 से 18 एक 2022 तक सी जी व्यापम में आमंत्रित जो है वो आवेदन करता है मतलब आपको कल से जो है इसमें आवेदन करना है याद रखिएगा 29 बारह 2021 से इसमें आवेदन करना है आप सभी याद रखिएगा 29 बारह से आप सभी को इसमें आवेदन करना है ठीक है साथ में यहाँ पे देखिए कौन कौन से पद है कितने कितने पद है तो पद नाम है सहायक ग्रेड तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक छन ठीक है आवेदन करना है उनतीस बारह से अट्ठारह जनवरी तक है ना उनतीस बारह मतलब कल से और अट्ठारह जनवरी तक करना है इसका एग्जाम है आपको आगे बताता हूँ इसका जो पद नाम है सहायक ग्रेड तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षन भर्ती दो हज़ार इक्कीस के नाम से ये जाना जाएगा परीक्षा तिथि जो है संभावित है जिसमें कि बताया गया है कि छः फरवरी को आपका सहायक ग्रेड तीन एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर सुबह नौ से सवा बारह बजे तक होगा और आंतरिक अंकेक्षण का उसी दिन दोपहर दो से पाँच बजे तक सवा पाँच बजे तक होगा ठीक है अब देखिए अगर आंतरिक अंकेक्षण की बात करें तो इसके दो पद रहेंगे एक पद अनुसूचित जनजाति का रहेगा और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का रहेगा टोटल चार पद है है ना दो पद अनारक्षित और एक एक पद ऐसा करके डाटा इंटी ऑपरेटर के दो पद है जिसमें अनुसूचित जनजाति का है साथ में ग्रेड तीन के टोटल उन्नीस पद है उन्नीस पद में आठ पद अनारक्षित का है तीन पद अनुसूचित जाति का है और आठ पद अनुसूचित जनजाति का है है ना साथ में दो पद अनारक्षित के लिए है जहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए और दो पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए इस प्रकार से टोटल 25 पद निकले हुए हैं और आप सभी को इसमें कल से जो है वो आवेदन करना है पहली बात महत्वपूर्ण बात अब याद रखिएगा जो दूसरी भर्तियां हैं ये लगभग इस भर्तियां का इंतज़ार था लगभग चार से पांच विभाग वाले बोलना चाहिए व्यापम में आए हुए हैं आवेदन परंतु अब व्यापम अब क्या करता है देखने वाली बात है क्योंकि इनको बहुत जल्दी थी राज्य लघु एवं मनोपज विभाग को क्योंकि इनका जो अनुमति है लगभग पाँचवें महीने से मिल गई थी जब मई में इनको अनुमति मिल गई थी तो अभी अब जो है इनका जो रुका हुआ था वो यही था एक पेंडिंग और अब उसके बाद जो है जो भी अनुमति मिली है वो अक्टू सितंबर अक्टूबर के आसपास मिली है तो उसका जो है पूरा निकलेगा जैसा कि आपको पटवारी हो गया साथ में आपका फूड इंस्पेक्टर हो गया उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर हो गया तो ये जितनी भी भर्तियां होंगी याद 20 फरवरी और 27 फरवरी को इसका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है आने वाले व्यापम में जो दो संडे पड़ रहे हैं आपको दोनों संडे फरवरी के दोनों संडे आपको एग्ज़ाम दिलाने होंगे आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए व्यापम इसके लिए जो है अब कभी भी जो है पटवारी के लिए नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि कभी भी पटवारी के लिए जो है वो नोटिफिकेशन निकल सकता है तो आप सभी उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा कॉमर्स वालों के लिए भी जो है इसका जो है नोटिफिकेशन निकल सकता है अब रही बात हम इन सभी की योग्यता के बारे में बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये इसकी ये सबसे पहले है सहायक ग्रेड तीन की योग्यता है आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए और रख लीजिए क्योंकि ये बार बार आपको आप पूछेंगे तो इसकी योग्यता डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो योग्यता है आप सभी देख लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता अब हम बात करते हैं अंकेक्षन की योग्यता तो अंकेक्षण में कॉमर्स वाले जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉमर्स की वैकेंसी कब आएगी तो बिल्कुल देखिए मैंने आप सभी को कहा था कि कॉमर्स की भी वैकेंसी आएगी ये हालांकि कम है लेकिन आने वाले टाइम में आपको भर भर के जो है वो कॉमर्स वालों के लिए लेखापाल की भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और साथ में ग्रेड टू मतलब द्वितीय श्रेणी की भी भर्ती आपको कॉमर्स वालों के लिए देखने को मिलेगी अब इसकी सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये इसका पूरा सिलेबस है जहाँ पे आपको 50 नंबर का भारत का पूरा जीके पूछेगा छत्तीसगढ़ का जीके पूछेगा साथ में आपको चालीस नंबर का हिंदी पूछेगा बीस नंबर का इंग्लिश पूछेगा साथ में आपको तीस नंबर का गणित पूछेगा और साथ में तीस नंबर की गणित के साथ आपको रीजनिंग भी पूछेगा रीजनिंग के साथ साथ आपको बोलना चाहिए सामान्य हिंदी तो हो ही गया है इस प्रकार से आपको कंप्यूटर से संबंधित भी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए इस प्रकार से आपको टोटल पूरा का पूरा दो नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है तो आप सभी एक अच्छे से तैयारी करिएगा आने वाले समय में आपको मैं बताया जैसे कि आपका 20 फरवरी और 27 फरवरी को सी जी व्यापक में दो एग्ज़ाम रखे गए हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द जो है वो निकल निकलते हुए दिखेगा याद रखिएगा इस पद के लिए कल से आपको आवेदन करना है तो आप जल्दी से जाइएगा और कल आवेदन करिएगा तो ये एक अच्छी और सुबह सुबह पॉजिटिव न्यूज़ थी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्वस्थ रहें मस्त